माता पिता के साथ में अच्छा पेरेंट होना जरूरी है। बायोलॉजिकल माता पिता होना ये आसान बात है, लेकिन उसके साथ में एक जवाबदारी से उनके चाइल्डहुड से लेके इन्फेंट से लेके चाइल्डहुड युवा अवस्था आगे अडल्ट तक जो जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है उसमें हम परफेक्शन की तरफ डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन आसपास भी रहे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हर जगह हमारा अच्छा रोल हमें परफॉर्म करना पड़ता है, कि उसी पेरेंट की श्रृंखला में हमने डिस्कस किया था कल कि हमें अच्छा पेरेंट होना है तो बच्चों को साथ बच्चों को प्रेम दे, स्नेह दे, उनको समय दे और उनके साथ में खेले, ये सब बातें हमने बोली थी और चर्चा भी की थी। दोस्तों डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि पेरेंटिंग जो है, पेरेंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। ये पेरेंटिंग जैसा एक मूर्तिकार रहता। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पेरेंटिंग के बहुत सारे कंडीशन हमने कल डिस्कस किए, बहुत सारी बातें पेरेंटिंग पे कल, लेकिन फिर भी ये टॉपिक बड़ा है, इसके कारण आज भी कुछ उसके जो कंपोनेंट्स है, घटक जो है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। पेरेंटिंग में आपके बच्चों को अच्छा करना है, आपके बच्चों को डेवलप करना है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इलिजिबल हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सक्षम हुए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अच्छा पेरेंटिंग तो करना है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और वो काम हम अच्छी तरह से बीइंग पेरेंट कर सकते हैं। तो ये हमें अच्छा करना है, तो मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा कि भाई हमें ये दरमियान क्या करना है। देखो एक मूर्तिकार रहता और वो मूर्तिकार क्या करता कि बहुत अच्छे एक पत्थर में से मूर्ति तैयार करता। उस पत्थर में से मूर्ति तैयार होने के बाद में एक ऑब्जर्वर रहता बाजू में, वो ऑब्जर्वर वो मूर्तिकार के पास आता और बोलता, भैया आपने इस पत्थर से बहुत बेहतरीन कृष्ण की मूर्ति आपने तैयार की, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगता हो। वो मूर्तिकार क्या बोलता, उस वो यानी जो मूर्ति थी वो पत्थर में से जो कि वो बहुत डिजाइन पूरी कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण का मुखौटा, सब सब बहुत बेहतरीन तैयार की थी उसने। वो जो ऑब्जर्वर था वो खुश होके मूर्तिकार को फीडबैक देता है और मूर्तिकार उनके कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देता, मूर्तिकार एक सेंटेंस बोलता, भैया मूर्ति आप अप्रिशिएट करें अच्छी बात है, लेकिन मूर्ति मैंने तैयार की नहीं, मैंने सिर्फ एक काम किया, जो ये पत्थर में अनवांटेड जो पार्ट था, जो अनवांटेड पार्ट था वो सिर्फ मैंने रिमूव किया। देखो क्या किया मैंने, अनवांटेड पार्ट, मूर्ति पत्थर में थी, उसका आंसर था, जवाब था उसका कि मूर्ति एक कृष्ण की मूर्ति इस पत्थर में छुपी हुई थी, मैंने सिर्फ एक काम किया। क्या काम किया, जहां कृष्ण की बांसुरी थी उसके आजू बाजू का पार्ट मैंने रिमूव किया, जहां नोज था उसके आजू बाजू का मैंने पार्ट रिमूव किया, जहां सर था उस मुकुट था उसके आजू बाजू का पार्ट मैंने रिमूव किया। और इस तरह से मूर्ति का दर्शन इस पत्थर में हुआ है। डेफिनेटली इस कृष्ण का दर्शन, कृष्ण के मूर्ति का दर्शन इस पत्थर में एक मूर्तिकार ने हमें कर दिया। दोस्तों मूर्तिकार का आंसर बहुत बढ़िया था, उसका जवाब बहुत बढ़िया था कि वो मूर्ति उस पत्थर में ही छुपी थी, सिर्फ मैंने अनवांटेड पार्ट उसमें का कम किया। दोस्तों यही मुझे बोलना है, आप एज ए पेरेंट मूर्तिकार का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मूर्तिकार का डेफिनेटली आपको पता है कि आपके बच्चों में क्या टैलेंट है, आपके चाइल्ड में क्या टैलेंट है, चाहे छोटा होगा, थोड़ा बाल्यावस्था में होगा, युवा अवस्था में होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, तो डेफिनेटली आपके जो बच्चों में उसमें स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी क्वालिटीज क्या है वो हमें देखना है। अच्छी क्वालिटी जो है वो हमेशा अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट एनकरेज पर्सन और सजेशन विल इम्प्रूव पर्सन। डेफिनेटली उस बच्चों को आपने अगर अप्रिशिएट करते हैं तो एनकरेज होगा, उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ेंगी। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं तू लायक नहीं, तू कुछ कर नहीं सकता, तू बराबर नहीं, ये नहीं वो नहीं, हम निगेटिविटी उसमें फीड करते हैं तो वो डेफिनेटली डेवलप नहीं होगा। हमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है, विच आर द पॉजिटिव क्वालिटीज इन आवर चाइल्ड, हमारे जो बालक है उसमें क्या है, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो लड़का है या लड़की है उसमें अच्छी क्वालिटीज क्या है वो हमें देखना है। अच्छी क्वालिटीज स्ट्रेंथ जो है और उसमें बढ़िया आप अगर फीडबैक देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा और आगे जाएगा कि भाई ये प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप बोलेंगे
कि पहले इसमें पूरा सक्सेस आएगा ऐसी बात नहीं है, सक्सेस धीरे धीरे आएगा। अ थाउजेंड स्टेप जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, मुझे हजारों किलोमीटर मुझे अगर चलना है तो शुरुआत करनी पड़ती है, तो उसी शुरुआत में एकदम आपको सक्सेस आएगा, कामयाबी आएगा ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे पहले तो उसने अप्रिशिएट करो एज अ गार्ड, एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट, उन्हें हमें अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करने के बाद में उनकी क्या वीकनेस क्या है, उसमें जो लैक्यूनी है, हमारे बच्चों में क्या कमतरता है वो हमें ढूंढना है, और वो लैक्यूनी हमको कवर करने के लिए उनको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है। और जो उनमें थोड़ा गलत चीजें बाहर से फीड हुई होंगी, बाहर से, क्योंकि हमारे जो सेंसर है, ज्ञानेंद्रिय हमारे, बहुत सारी चीजें हमारे साथ में, बच्चे जो जितने समय रहते उससे भी ज्यादा समय हमारे अभी इस गंभीर पीरियड में, ठीक है हमारे साथ में ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर फ्रेंड में रहते, स्कूल में रहते, बाकी बाहर के एनवायरमेंट में भी रहते, इन सेंसर द्वारा बहुत सारी अनवांटेड बातें उनमें आ सकती है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट की एक कौन से बच्चे के साथ में रहता है, इसकी संगति, जिसका जैसा संग वैसा रंग, ऐसा बोला जाता है, जैसा संग वैसा रंग, हमें वो रंग प्राप्त होता, हमारी पर्सनैलिटी वैसी बनती, हम किसके साथ में रह रहे, किस सत्संग में रह रहे, किन लोगों के साथ में इंटरेक्शन हम कर रहे ज्यादा, किन एनवायरमेंट में हम रह रहे, इस एनवायरमेंट का, इस संग का बहुत परिणाम हमारे पर्सनैलिटी पे होता। अच्छे लोगों के साथ में रहो, हमेशा अच्छी बातें आपको आती रहेंगे, आपके इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके में आती रहेंगी। आप बुरे लोगों के साथ में रहो, आपको भी पता नहीं चलेगा हम कैसे बदल गए। तो पेरेंट्स ने यहाँ पे ख्याल करना चाहिए कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा किसके साथ में अभी ज्यादा रह रहा, वो संगति हमें, वो फ्रेंड सर्कल, आपकी आइडेंटिटी आपका फ्रेंड सर्कल देती है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है उस पर आपकी आइडेंटिटी डिपेंड रहती, आपका परिचय आपकी संगति देती है। तो डेफिनेटली बीइंग अ पेरेंट हमें बोलना है कि हमें देखना है कि हमारे बच्चे कौन से संगति में रहते हैं। ये कॉलेज जाते वक्त या स्कूल जाते वक्त बराबर प्रॉपरली यू हैव टू ऑब्जर्व, जस्ट अविश्वास करके नहीं, लेकिन बीइंग सही में हो रहा क्या नहीं, बिल्कुल वो थोड़ा सा ऑब्जर्व हमने करना चाहिए। जो अनवांटेड पार्ट उसमें अगर कुछ आता है, गलत कुछ आता है, तो वो डिलीट करने का काम, वो कम करने का उसके भी तरीके है कि भाई अगर गलत चीजें उसमें आ गई तो वो कैसे डिलीट करना, दैट इज एक्चुअली आर्ट, दैट इज अ पेरेंटिंग। तो हर बार गुस्से से ही काम होगा ऐसा नहीं, गुस्सा हर बार अच्छा नहीं लगता और अच्छा बनता नहीं, वो भी बड़ा होके वही करेगा हम, उसने समझदारी से पास में बैठ के काउंसिलिंग करके जो अनवांटेड, जो अच्छी बातें नहीं, जो बुरी बातें उसमें आ गई, हो सकता वो ज्यादा, एक छोटा, मैं ज्यादा बुरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एक छोटा एग्जाम्पल देना, ज्यादा स्क्रीन का यूज ज्यादा कर रहा हूँ, मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहा है अभी, तो ये गंभीर पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत जने मोबाइल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, हम भी आप जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो ये स्क्रीन की वजह से कर रहे हैं, लेकिन उसका भी प्रमाण हमारे जीवन में कितना होना चाहिए। जैसा कि हमारे जो थाली रहते खाने की, थाली या सब्जी, उसमें जो नमक है वो नमक का प्रमाण अगर ज्यादा भी हुआ तो बेकार, कम भी हुआ तो बेकार, इसलिए प्रमाणबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रमाणबद्धता लाइफ में, समता, प्रमाणबद्धता ये बहुत मायने रखती है दोस्तों। इसलिए ये स्क्रीन का जो उपयोग है हमारे को अच्छे के लिए करना ही है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है, कितना करना है, कितना करना है। अगर बच्चे बहुत सारे स्क्रीन, बहुत सारे मोबाइल, टीवी में टाइम पास करते तो वो गलत है, उनको पास में बिठा के कि भाई ये आपके लिए घातक कैसा है, इससे क्या हो सकता है, इसके आंखों की बीमारी हो सकती है, इसमें तुम्हारा जो ट्रेस है, जो तान तनाव इससे आ सकता है, या इससे अन्य नुकसान है, इसलिए फिजिकल थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज के क्या इम्पोर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, देखिए आपकी बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद द वर्ल्ड, आपके गोल अचीव करने के लिए आपके पास में एक महत्वपूर्ण कोई माध्यम होगा, तो योर बॉडी, तन एंड मन, ये सब बातें बिठा के उनको आपको इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि बालक थोड़ा अजान रहता, निरागस रहता थोड़ा सा, और स्टूडेंट भी रहा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन भी है, तो उसको सभी बातें पता होंगे, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या सच है, क्या असत्य है, उसको ये थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा, और जो अनवांटेड बातें, असत्य अगर उसमें घुस गया तो वो डिलीट कैसा करना,
बुरी चीजें अगर उसमें एंट्री की तो वो भी हमने डिलीट करना है एज अ मूर्तिकार, जैसा कि वो मूर्तिकार ने जो बांसुरी के बाजू का भाग जो है पार्ट जो है वो डिलीट किया, रिमूव किया, उसी तरह मूर्तिकार के तरह हमें ये रोल परफॉर्म करना है फॉर पेरेंटिंग के लिए, अच्छा पेरेंट होने के लिए। परफेक्ट पेरेंट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक उसके आसपास भी हम आते हैं तो हमारा जो बच्चा है, लड़का है, उसके गोल में, उसके जो भी उसके ड्रीम्स होंगे वो फुलफिल करने में वो कामयाब हो सकता है, वो आगे अच्छा तरह से बढ़ सकता है, वो अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, जो भी क्षेत्र में जाएगा वो अच्छा कामयाबी हासिल करेगा बीइंग का, क्योंकि संस्कार ये बहुत चीज मायने रखती है। और संस्कार का पहला विद्यापीठ माता पिता होते हैं, जो हमारे घर है, हमारा जो घर है, घर यानी चार दीवार नहीं सिर्फ, उसमें दीवार में क्या संस्कार दिए जाते हैं, क्या सॉफ्टवेयर भरा जाता है, वो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये माता पिता की भूमिका इस सॉफ्टवेयर में अहम है, अहम भाई बहन के उसके साथ में सबसे पहले माता पिता की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए मैं जो बीइंग मूर्तिकार, जो मूर्तिकार एक अच्छी मूर्ति को एक पत्थर से तैयार करता, उसमें छुपी हुई टैलेंट बाहर निकालता, और उसने इसी तरह हमें भी बीइंग पेरेंट, बीइंग माता पिता, उसमें की अच्छी तो चीजें हमें पता है कि इसमें ये स्ट्रेंथ है, ये बातें अच्छी है कि वो बात अच्छी करता, विनम्रता है, उसके बैठने की कैपेसिटी है, वो बार बार अप्रिशिएट करो और उसके साथ में उसको अप्रिशिएट करने के बाद में थोड़ा सजेशन दो कि ये थोड़ा बेटा गलत है, ये गलत है तो हाउ टू रिमूव, हाउ टू ओवरकम। अगर देखो दोस्तों, और मैं एग्जाम्पल देना चाहता हमेशा कि जो अनवांटेड पार्ट, गलत चीजें हमें है तो हम उड़ान नहीं ले सकते, हम उड़ान नहीं ले सकते। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइम भी दिया था, वो अलग एंगल से दिया था, लेकिन एक अलग एंगल से अभी एग्जाम्पल दूंगा कि मिसाइल जो है उड़ते समय वो क्या करता है कि जो रॉकेट उसके जो अनवांटेड पार्ट है, कुछ कक्षा में जाने के बाद में उसके अनवांटेड पार्ट एक एक छोड़ देता, उसके आगे जाने के बाद में और एक एक पार्ट छोड़ देता। इसका मतलब कि जो कुछ भी काम का नहीं है, कि हमको हम समझ में आया कि एज के साथ के उम्र जैसे आगे आगे बढ़ती तब हमको समझ में आता कि ये चीजें गलत है, ये जो हम कर रहे थे ये गलत है। तो उस जिस 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 दिन आपको समझा कि ये गलत है तो डेफिनेटली वी शुड लीव इट, वो छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ दी तो ऑटोमेटिक हम हल्के होंगे और उड़ान लेंगे। आपका जो IAS होने का गोल है, आपका जो एक IPS होने का गोल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का गोल है, या अन्य क्षेत्र में आपको यशस्वी होना है, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, आपको यशस्वी होना है, तो जो आप में अंदर घुसी है, जो कुछ कारण के, परिस्थिति के कारण हो सकती, संगति के कारण हो सकती, तो ये बातें हमें डिलीट करना है। अगर वो बातें प्रॉपर समय डिलीट करते रहेंगे तो आप में एक फिनिशिंग अच्छा व्यक्तिमत्व का दर्शन आप में होगा, एक अच्छे व्यक्ति का दर्शन आप में होगा। इसमें अहम भूमिका मैं हर बार बोल रहा कि पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जब ये लड़के छोटे होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, क्योंकि माता पिता पहली यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कि जो बच्चों को एक वाइज मैन, एक अच्छा संस्कार देने का काम वहां पे करते हैं। इसलिए हमें एक मूर्तिकार की तरह उन्होंने अच्छे भाग, अच्छे सर्च करना है कि इसमें क्या टैलेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति में अनटैप्ड पोटेंशियल है, अनटैप्ड ट्रिमेंडस कैपेसिटी है, एवरी पर्सन इज यूनिक, हर व्यक्ति यूनिक है और उसमें हर अलग अलग प्रकार का टैलेंट है। तो वो हमें एक पेरेंट से करके हमें सर्च करना है और उसको एनकरेज करना है, और जो अनवांटेड पार्ट है वो डिलीट करना है। अगर वो डिलीट करते हैं तो उसमें फिनिशिंग आएगी, और जैसा मैंने बताया कि पत्थर में जो मूर्ति छुपी थी, एक मूर्तिकार ने मूर्ति का दर्शन, एक कृष्ण के मूर्ति का दर्शन मुझे पत्थर में से कर दिया, तो वही सेम दर्शन यानी अच्छे व्यक्ति का दर्शन, अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति का दर्शन हमारे हर व्यक्ति में हो सकता है, हर आत्मा में, परमात्मा में ऐसा बोला जाता है डेफिनेटली कि हर व्यक्ति में ये पावर छुपी है और हर व्यक्ति में ये सब बातें है, सिर्फ अनवांटेड जो बातें से वजह से वो जो अच्छी बातें छुप गई वो हमें बाहर निकालना है। बीइंग पेरेंट ये हमें करना है कि वो जो अच्छी बातें है वो बाहर लाना है, और अनवांटेड जो गलत बातें, असत्य बातें है वो बाहर निकालना है। वो बाहर अगर निकालते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे व्यक्ति का दर्शन उनमें हो सकता है। सो
पेरेंटिंग ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने कल भी इस पे बहुत डिस्कशन किया, आज भी हम इंटरेक्शन कर रहे कि आज भी ये टॉपिक ऐसा उसमें कुछ पार्ट है, मुझे लगा कि भाई एक और होना चाहिए कि स्नेह के साथ, स्नेह देना, समय देना और उनके साथ संवाद करना अच्छे पेरेंट के लक्षण है कि स्नेह, देखो यस से सब शुरुआत है, स्नेह देना बच्चों को प्रेम, हर बार गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होता, अपने को समाधान मिलता लेकिन आउटकम ज्यादा नहीं निकलता, इसलिए प्रेम से, स्नेह से बात करो, स्नेह रखो उसके साथ में, प्रेम दो, उससे मिलो, गले लगाओ, क्योंकि ये बहुत मायने रखती, उसको जो नेचुरली इट प्रोपोर्शनल टू एज, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको पास में लो, अगर गलती भी हो गई तो उसको टच कर, ये टच थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ये बातें स्नेह उससे जोड़ आता, बातें करना और फिजिकल टच इसमें स्नेह प्रस्थापित होने के लिए बहुत मदद करती। सो बीइंग अ पेरेंट हमें ये बातें करना है, समय देना है, जो भी उनके साथ में है, हम व्यस्त है, हमारे दुनिया में हम कंप्लीट व्यस्त है, लेकिन वो व्यस्तता से, क्योंकि संतति ही तो संपत्ति, ऐसा मराठी में बोला जाता है, हमारी सही मायने में प्रॉपर्टी हमारी कोई होंगी तो हमारे चाइल्ड है, हमारे बालक है, तो उस बालक के लिए समय निकालो, उस चाइल्ड के लिए समय निकालो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी जो है हमारा बिजनेस होगा, हमारी नौकरी होंगे, उसके लिए तो बहुत समय देते, देना ही चाहिए, दैट इज आवर ड्यूटी, लेकिन जो हमारी भविष्य की प्रॉपर्टी है जिनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें लगता है कि ये मेरा लड़का IAS होना चाहिए, मेरा लड़का ये IPS होना चाहिए, मेरा लड़का एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास होना है, एक सक्सेसफुल इंसान हुए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए, तो उसके लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें करते रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा एक उल्लेख करता कि IAS मिशन द्वारा ये जो मुहिम, ये जो व्याख्यानमाला शुरू है, ये व्याख्यानमाला के लिए हमारे जो बहुत परिश्रम ले रहे हमारे डॉक्टर नरेश चंद्र काठोड़े सर, जो एक सक्सेसफुल इंसान की डेफिनेशन ऐसे है कि हमारे साथ में, हम तो सक्सेसफुल हो गए लेकिन हम और कितने लोगों को सक्सेस करते, वो सही में सक्सेसफुल व्यक्ति की डेफिनेशन है कि हमारे साथ में और कुछ लोगों को सक्सेस करना, इसी मानस से इन्होंने IAS मिशन शुरू की, और IAS मिशन के लिए हमारे शरीर के अलग अलग टाइप के व्याख्या थे, रोज सर बुलाते और उनका एक ही एम है कि ये लोगों तो के स्पार्क जो है हर व्यक्ति के दिल में जाए, हर स्टूडेंट के दिल में जाए, और वो एक प्रशासक, एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान इस देश को मिले, इसलिए ये व्याख्यानमाला शुरू है। इस व्याख्यानमाला में बहुत सारे ऑनलाइन हमारे दोस्त ज्वाइन हुए, विजय जी वानखड़े, उनका मैं दया दिल से स्वागत करता हूँ, नरेंद्र काठोड़े सर हमारे इस मिशन के संचालक, उनका भी सर हार्दिक स्वागत, हमारे सूरज जी देसाई, उनका भी यहाँ पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, देसाई सर वेलकम, और ऑनलाइन तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके बाद में भी बहुत सुनने वाले दोस्तों, इसलिए मैं हर प्रकार का ऑडियंस ये इसमें, चाहे थोड़े बालक होंगे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन होंगे, कॉलेज वाले होंगे, कुछ युवा होंगे, कुछ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे, उसके साथ में प्रिपरेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे और पेरेंट्स भी होंगे, तो पेरेंट्स की वजह से ये जो दो दिन है स्पेशली फॉर पेरेंट्स, उसमें कुछ कंटेंट डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, और मैं बोलूंगा कि बीइंग अ पेरेंट हमारे बच्चों को स्नेह दे, समय दे और संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, अगर संवाद प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं तो वाद निर्माण होते हैं ऐसा बोला जाता है, और प्रॉपर संवाद होना ये सबसे बड़ी बात है, इंटरेक्शन होना बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों के साथ में हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, और कम्युनिकेशन होने के लिए हम डाइनिंग पे कम से कम दिन में से एक दो बार सुबह और शाम को, ठीक है आप व्यस्त है आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, लेकिन एक समय हमने मिलना चाहिए, सब फैमिली बैठना चाहिए और इंटरेक्शन होना चाहिए, कि इंटरेक्शन में से बहुत कि आपके आप उनको पॉजिटिव फीडिंग, जब आप डायरेक्टली सामने वन टू वन काउंसिलिंग होगा, वन टू वन सामने बैठेंगे तब बहुत सारी अच्छे आपका एक्सपीरियंस उनके जीवन में काम आएगा, आपकी कुछ बातें उनके काम में आएंगी, डेफिनेटली सभी बातें सुनेंगे लड़के अच्छे ने ऐसा नहीं, क्योंकि आपने लेकिन बीइंग अ फादर एंड मदर, बीइंग अ पेरेंट, हमने ये सब बताते रहना चाहिए, हमारे भी माता पिता ने बहुत सारी बातें, हम जब छोटे थे
बताते थे, हम कुछ बातें सुनते थे, कुछ बातें इंप्लीमेंट करते थे, कुछ बातें छोड़ देते थे। लेकिन जैसा जैसा समय आगे गया, जैसे जैसे उम्र आगे गई, तो हमने हमारे पिताजी की बातें याद आ गई, माताजी की बातें याद आ गई, नहीं वो जो बता रहे थे वो सही मायने में बराबर है। क्योंकि बस मैं बताऊंगा कि छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि माता पिता बताते भाई धूप में जाते हैं तो कान को बांधो, कान धूप नहीं लगना चाहिए, पानी पीते वक्त खड़े रह के पानी मत पियो, बैठ के पानी पियो। जैसे भी उस समय कुछ सुना नहीं, लेकिन धूप लगने के बाद में समझ में आया कि नहीं, जो मेरे माता पिता बता रहे थे दैट इज अ करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें दोस्तों, पानी खड़े होते पीते पीने के बाद में कुछ इलनेस आ गया या कुछ उसके कारण अपाय हो गया, तो बाद में चलता कि नहीं मेरे माता पिता बहुत राइट बता रहे थे, वो बराबर सही है, तो वो वेस्ट नहीं गया। और कुछ बातों का वो सॉल्यूशन भी बताते रहते, तो उस समय हम इम्प्लीमेंट करते, हमारे लाइफ में ऐसी समस्या आती तो उनके कुछ सेंटेंस हमें याद आते। दोस्तों वो हमारे माता पिता ने जो इंटरेक्शन हमारे साथ में किया था, जो संवाद हमारे साथ में किया था, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं गया, वो हमारे मेमोरी में कहाँ तो भी है, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती तो उस समय रिकॉल होता। उसी तरह हम लड़के अपने को लगता कि भाई ये सुन रहे नहीं, ये अलर्ट नहीं, ये डिनाई कर रहे, लेकिन हमने बीइंग अ पेरेंट अब बताना चाहिए, और बताते हैं, और संवाद द्वारा ही ये सब बातें बता सकते हैं, तो कहा ना तो कहा उसके लाइफ में फ्यूचर में ये बातें सब काम आएंगे। इसलिए अच्छा अगर आपको पेरेंट होना है, अच्छा गार्डियन होना है, तो आपको एक मूर्तिकार की तरह काम करना है। जैसे एक पत्थर में से एक मूर्तिकार ने कृष्ण की मूर्ति निकाली, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, उसी तरह आपके लड़के में, आपके बच्चों में भी एक अच्छे व्यक्ति का दर्शन आप कर सकते हैं, अच्छे नागरिक का दर्शन आप कर सकते हैं, अच्छा आईएएस ऑफिसर उसमें छुपा है, अच्छा आईपीएस ऑफिसर उसमें छुपा है, अच्छा प्रशासक उसमें छुपा है, अच्छा बिजनेसमैन उससे छुपा है, अच्छा एक नौकरी करने वाला या राजकीय या सामाजिक व्यक्तिमत्व उसमें छुपा है। डेफिनेटली आप उसको तलाशो, तलाशने के बाद उसको एनकरेज करो, एनकरेज एप्रिसिएशन, एनकरेज पर्सन, एप्रिशिएट करो, और उसके जो यात्रा है, प्रवास है, उसके गोल की तरफ लेके जाओ, और उसका जो अनवांटेड पार्ट है, जैसा मैंने बताया कि कृष्ण की बांसुरी उसके आजू बाजू का अनवांटेड पार्ट है, वो डिलीट करते रहे। कुछ बातें हमारे साथ में तो ठीक है, आजू बाजू के एनवायरमेंट के कारण या संगति के कारण उसमें गलत अगर एंट्री करती है तो एंट्री को रोक दो। तो डेफिनेटली आपने अगर रोका तो वो अच्छा एक शिल्पकार का काम आप कर रहे, ये साबित होगा। दोस्तों उसी के साथ में मैं छोटा और एग्जांपल देना चाहूंगा। पेरेंट का रोल गार्डनिंग जैसा होता, माली जैसा होता, माली के शरीर का। माली क्या करता, जो प्लांट है, देखो वो छोटा एग्जांपल है लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जो बीज वो कारण हर बीज से जो वृक्ष है, झाड़ जो है, प्लांट बीज से निकलता, हर वृक्ष, हर झाड़, हर प्लांट बीज से निकलता, लेकिन हर बीज से प्लांट निकलेगा ऐसे नहीं, हर बीज से प्लांट निकलना है ऐसी बात नहीं है। ये रिवर्सिबल जो सेंटेंस है, मैंने बोला कि हर वृक्ष बीज से निकलता लेकिन हर बीज से वृक्ष निकालेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि उस बीज को हम किस टाइप से बोसते हैं, किस टाइप से वो जमीन की मशागत करते हैं, किस टाइप से उसकी केयर करते हैं, उस पर सब डिपेंड रहेगा दोस्तों। इसलिए बीइंग अ पेरेंट, हमारा जो बीज है, शुद्ध बीजा पुट्टी फड़े रसाल गोमटी, ऐसा मराठी में बोला जाता है, सेम तरीके से उनको अगर अच्छा, हमारा जो बीज अच्छा होना चाहिए, उससे फसल या गार्डन प्लांट अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसकी मशागत करना पड़ेगा, उस बच्चों को, वो जो बायोलॉजिकल बॉडी के साथ में उसका सॉफ्टवेयर जो है, हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर बिल्ड करने का एज अ प्रोग्रामर, एज अ माली हमें करना पड़ेगा, कि प्लांट जैसा माली बीज रोने के बाद में पूरी वो उसकी खेती की मशागत करता, मशागत करने के बाद में उसको हर बार जो सही समय, सही वक्त, सही तरह से पानी देता, सही समय, सही वक्त, सही तरह से पानी ज्यादा भी दिया तो बेकार है, वो पीना पड़ता है प्लांट, पानी कम भी दिया तो बेकार है, योग्य प्रमाण जो बोलते हैं, इसका नमक का उदाहरण मैं हमेशा देता था, जो माली है वो बिल्कुल उसको पूरा स्टडी रहता कि ये प्लांट को कितना पानी देना चाहिए, कितने समय देना चाहिए, कितने क्वांटिटी में देना चाहिए। उसी तरह पेरेंट को अगर ये समझ में आया कि मेरे बच्चों को, मेरा जो लड़का है उसको
किस टाइम से देखभाल करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, ये इमोशनली थोड़ा वीक है तो उसको इमोशनली कैसा स्ट्रांग करना चाहिए, उसके अंदर कुछ चालू है ये आपको समझ में आ रहा तो वो आउटलेट देना चाहिए। अंदर जब बातें रखते हैं तो बहुत सारा उसका सपोर्ट हो जाता कि सुसाइड भी आज अलग अलग कारण हो रहा है ये आपको पता है, क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकल रहा, हम अंदर ही अंदर सब घुटमटते, तो उसी के कारण हमें बीइंग अ पेरेंट देखना है कि हमारे बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि भाई ये इसके मन में कुछ चालू है क्या, तो उसके मन में अगर कुछ चालू है तो बाहर निकालो, इंट्रैक्शन करो, कुछ सोल्यूशन होंगे तो वो दो, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसमें कुछ गलत बातें गलत कंसेप्ट हुए होंगे वो भी हम करेक्ट कर सकते हैं। माली जैसा सही क्वांटिटी में सही तरीके से और सही समय उसको जब नीड होती, अगर आपके बच्चों को आपकी जब नीड है तब आप काम नहीं आते तो डेफिनेटली कुछ तो पेरेंटिंग में हमारी कम हो रही है। जब आपको उसको आपको आपका इमोशनल सपोर्ट है होना है, जब आपको और दूसरी तरह से उसका आपको सपोर्ट होना है, जब जब भी आपका सपोर्ट उसको होना है तब तब हमारा सपोर्ट उसको पॉजिटिव सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तू तेरा देख ले मैं करूंगा ऐसा, तो इस टाइप से नहीं चलता। तो माली जैसा सही समय सही क्वांटिटी में और सही वक्त ये सब करता है, उसी तरह बीइंग अ पेरेंट हमें उनको सपोर्ट करना है बच्चों को, वो हमारे आप उनका जो गोल है उसमें सक्सेस होने के लिए ये करना पड़ेगा। तो गार्डनिंग और आजू बाजू में अगर गलत प्लांट्स आते, उस हमारा जो एखादा गुलाब का हमने प्लांट लगाया और उसके आजू बाजू में गलत प्लांट्स छोटे छोटे आते, तन बोलते उसको, तो वो हम निकाल लेते, वो देखभाल करते बिल्कुल, कि वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने देते, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा होगा तो वो गुलाब का फूल कभी नहीं आएगा, गुलाब का झाल बढ़ेगा नहीं, तो हम उसी जब छोटे रहते तो वो केयर करते, माली केयर करता कि भाई इसके आजू बाजू में दूसरे छोटे छोटे प्लांट आ रहे क्या, तो वो निकाल लेता। सेम उसमें अगर कुछ गलत चीजें आ रही है, गलत चीजें गलती से वहां पे उसने एंटर की तो वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये पेरेंटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेरेंटिंग में ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आगे हम हमारा जर्नी ये शुरू रहेगा, एक घंटे का हमारा जर्नी है डेफिनेटली, और एनर्जी होना बात करने के लिए अभी तक मैंने 3000 के ऊपर स्पीच लिए, लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ, तो हम भी इस एक घंटे एक महीने 31 मार्च तक अलग अलग टॉपिक पे हेल्थ होगा, करियर, सक्सेस, लाइफ स्किल और एंड अदर टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक है उसमें हम बात करते रहेंगे और ये जर्नी हमारा चालू रहेगा। आप भी बैठे बैठे जो भी घर पे चाय पी सकते या मेरे तरफ, लेकिन जो कान है ये मेरे तरफ रहेंगे। तो हमारा जो आईएएस मिशन है, आईएएस मिशन के सभी पदाधिकारी हमारे काटोड़े सर, प्राध्यापक गुलाने सर, प्राध्यापक खंडवे सर, उनका मैं दय दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर दिया। सेवा परमो धर्म, ये ब्रीद वाक्य और सेवा का सबसे बड़ा धर्म है। जाति पाति के कलर के और हर तरह से बढ़िया कोई चीज होगी तो सेवा है। तो इस हमारे आयुष मिशन जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो ये प्रयास डेफिनेटली सक्सेस होगा। हमारा आईएएस मिशन का नंबर है 9890967003, रिपीट करता 9890967003, मिशन आईएएस, और मेरा नंबर है 7755924010। दोस्तों मेरे एक संवाद कम्युनिकेशन करके यूट्यूब चैनल भी है, संवाद कम्युनिकेशन बाय राजू डांगे यूट्यूब चैनल, आपने सर्च किया उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ बहुत बेहतरीन वीडियो हेल्थ, कम्युनिकेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट, अलग अलग टाइप के 35 वीडियोस उसमें है, आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक भी दें। ये अप्रेश में पीरा, अप्रेश जो है अप्रेश के कारण फ्रेश होता है, गलत फहमी मत करना, क्योंकि अप्रेश है मुझे, मैं चाय जनरली पीता नहीं तो अप्रेश पी रहा हूं। दोस्तों हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं अच्छे माता पिता होने के लिए। एक मैंने कल एक वर्ड बताया था, रिच, RICH, रिच, रिच आर मीन्स रिलेशन, रिलेशन कि हमारे बच्चों को किस सम्मान क्या है,
लोग जोड़ने के लिए इस कैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, बात कैसे करना चाहिए, ये सब रिलेशन रिलेशन पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और रिलेशन कितने महत्वपूर्ण है जीवन में ये बताना पड़ेगा। आई मीन्स उसको जो क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसमें इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता ज्ञान हासिल करना है, उसमें जो सी है कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और कैरेक्टर के साथ में उसमें हेल्थ ये महत्वपूर्ण है, ये मैंने कल बताया था। तो उसी के साथ में अभी पेंडेमिक के कारण ये गंभीर समय में पेरेंटिंग का रोल और भी थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि पेरेंटिंग बिफोर दिस पेंडेमिक, इस महामारी के पहले पेरेंटिंग और इसमें बाद में की पेरेंटिंग थोड़ा बहुत फर्क है, कि जो ये ड्यू टू कोरोना दिस गंभीर पीरियड, इसमें क्या हो गया कि फिजिकली जो मूवमेंट्स है वो बच्चों के हो रहे नहीं, क्योंकि घर में है सब बच्चे, मैक्सिमम घर में ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, ऑनलाइन इंटरेक्शन शुरू है, क्योंकि बाहर परिस्थिति वैसी है। तो ये थोड़ा सा फिजिकल उनके मूवमेंट्स होने के लिए घर में एक्सरसाइज भी करते के नहीं करके लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है घर में एक्सरसाइज बच्चों को, क्योंकि हमने बोला कि बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद वर्ल्ड, आपके गोल अचीव करने के लिए आपके पास शक्ति जो है तन की और मन की शक्ति वो अच्छी रहे, इसलिए पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि मेरे बच्चे एक्सरसाइज करते कि नहीं, कि एक्सरसाइज करना चाहिए, हर थोड़ी बहुत साइकिल भी हो सकती है, या घर पे स्विमिंग भी हो सकती है, घर पे भी कुछ ट्रेडमिल होगा उस पर कर सकते हैं, लेकिन थोड़े आउटडोर किए तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए ये एक्सरसाइज ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सरसाइज बच्चों ने करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई क्योंकि हम घर में ही बैठे हैं मैक्सिमम, तो फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ो, क्योंकि स्ट्रेंथ आना चाहिए, फिजिकल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टडी के लिए एक घंटा एक अठारह अठारह घंटे अगर बैठना है, दस दस घंटे बैठना है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए फिजिकली फिट होने के लिए हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। और मेंटली बच्चे बैठे बैठे क्या हो गया, दोस्त लोग ज्यादा मिल रहे नहीं, या स्कूल चालू नहीं है, तो उसके कारण चार दीवार के अंदर बच्चे हैं, तो मेंटली भी थोड़ा स्ट्रेस आता है, मेंटली थोड़ा सा वीक होने के चांसेस डिनाई नहीं कर सकते हम, तो उनको उनको उनके साथ शेयरिंग कीजिए, स्नेह दीजिए, शेयरिंग कीजिए, तो डेफिनेटली पेरेंटिंग में ये थोड़ा सा थोड़ा बहुत माइनर चेंज है, क्योंकि पहले बच्चे बाहर पढ़ते थे, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करते थे, स्कूल में शिक्षक लोगों के साथ, टीचर लोगों के साथ करते थे, तो अभी अभी थोड़ा सा चेंज हो गया कि हमको हमारा जो भूमिका है, हमारी जो जवाबदारी है वो थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है इस पेंडेमिक के कारण, इस गंभीर कोरोना के महामारी के कारण। तो हमें हमारे बच्चों को सही में हेल्थ की तरफ ख्याल करना है, इमोशनल उनको टच और इमोशनली बहुत स्ट्रांग करना है, ये थोड़ा ख्याल करना है। और एक दूसरा हो गया इंटरेक्शन, जो है इंटरेक्शन सिर्फ हमारे फैमिली में बढ़ गया, लेकिन बाहर का जो डायरेक्ट टच था, डायरेक्ट इंटरेक्शन था, वो कम हो गया, थ्रू मीडिया बढ़ गया, लेकिन ये जो बच्चों को दोस्तों में मिला कि बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाता, वो दोस्तों की दुनिया अलग रहती, वो दुनिया भी थोड़ी सी कम हो गई है कारण, और इसलिए पेरेंटिंग पेरेंट्स का माता पिता की भूमिका और बढ़ गई, हमारे बच्चों को पूरा जो है वो बाहर का टच कम हो गया, इसलिए हमको और ज़्यादा समझ लेना चाहिए उनको, उनको समझना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत बच्चा चिड़चिड़ करता है तो वो उसका कारण भी, क्योंकि वो नहीं तो हम भी और चिड़े, हम भी गुस्सा किए तो और गुस्सा बढ़ेगा, संवाद बाजू रहेगा, वाद शुरू हो जाएंगे, इसलिए बच्चों के साथ इंटरेक्शन कीजिए, ज़्यादा समय दीजिए। और दूसरा क्या हो गया कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा, कि ये कोरोना के टाइम स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, जो आईपैड, लैपटॉप, ये स्क्रीन को समय देने का समय ज़्यादा दे रहा, और एक स्टडी है कि 30 मिनट्स के ऊपर आप स्क्रीन को देते हैं तो आँख के प्रॉब्लम या अन्य प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा आँखों की एक्सरसाइज करना, आँखों के बहुत सारे एक्सरसाइज है वो बच्चों ने किए, जो ठंडा पानी है उससे आपके हमेशा 2-3 बार धोना, ये सब आँखों के बहुत सारे, मैं योग प्राणायाम क्लास देता उस समय ये सब बातें बताया था कि जो एक्सरसाइज है फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन समय आपका बढ़ा है क्योंकि वो अभी नीड है, लेकिन उसके लिए जो एक्सरसाइज है आँखों की एक्सरसाइज है, थोड़ा ब्रेक लेना, पॉज लेना, कि पॉज और एक्सरसाइज आपकी और स्क्रीन बढ़ाती, कैपेसिटी बढ़ाती, तो समय को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है,
समय सबसे बड़ा फॉर्मूला है एक्सेप्टेंस। ये महामारी के कारण जो भी परिस्थिति आ गई वो हमें एक्सेप्ट तो करना ही है और वो परिस्थिति में ही काम करना है। विद इन द अवेलेबल सिचुएशन हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, रुकना नहीं। रुका, पानी रुका तो आपको पता है क्या क्या होता, इसलिए पानी रुकना नहीं। पानी प्रवाह जो है, जल जो है प्रवाहित रहा था और शुद्ध होता, उसी समय नदियां, नदी जो है वो कभी अपना ये जो प्रवास है वो रोकती नहीं। चाहे बीच में कोई आए, पर्वत आए या कोई आए, तो बराबर वो टर्न होती। उसी तरह हमको परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है और इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं वो कोशिश हमें पूरी तरह से करना है। तो ये स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ गया, लेकिन वो स्क्रीन टाइम के लिए थोड़ा पॉज लेना, थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना, डेफिनेटली और आपकी स्क्रीन बढ़ेंगी। ये मीडिया तो अभी सब ऑन क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गए, जो भी वर्कशॉप है, सेमिनार है, वेबिनार है, ये सब ऑनलाइन है मैक्सिमम। इसलिए हमें ये थोड़ा सा आँख, हमारा मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ बातें, मेडिटेशन, ये मेडिटेशन तो मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा, सेपरेट हम टॉपिक एक मेडिटेशन एक दिन लेने वाले, वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के युग, आज के जो परिस्थिति है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत उसका महत्व आज है। और तीसरा आ गया कि बच्चों में अभी फियर बहुत आ गई, घबराहट बहुत आ गई, क्योंकि वो कुछ जो नॉलेज है कि भाई कोरोना का जो नॉलेज है वो किसमें गैर समझ ज्यादा है, तो हमारे जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो क्या करना चाहिए, इसके बाद ये कैसा होता, इसका स्प्रेड कैसा होता, ये भी बातें होना, उनके मन में कुछ बातें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हमने क्लियर करना चाहिए बीइंग पेरेंट, कि ये जो है कम्युनिकेबल डिसीज कैसा है, ये क्या कैसा होता, उसका प्रसार कैसा होता, उसके लिए हम प्रतिबंधात्मक उपाय क्या है, उसमें अगर हुआ तो उपचारात्मक उपाय क्या है, ये थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों को देना चाहिए। अगर साइंटिफिक जानकारी उन्हें मिलती है तो साइंटिफिक जानकारी मिलती है, तो नॉलेज इज अ पावर, ये मिलती है तो उनका जो डर है, जो फियर है बच्चों में, ये उनको पता ही नहीं कि ये क्यों होता, कैसा होता, क्या होता, उसके लिए व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर, व्हाट आर द क्यूरेटिव मेजर्स, वो हमें बीइंग अ पेरेंट उन्हें बता रहा है कि अगर बताए तो उनकी जो फियर है वो कम होंगी। लेकिन फियर कम होने के बाद में केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजर का यूज है, मास्क है, ये भी किस तरह यूज करना चाहिए, ये अगर आपने प्रॉपर सही मायने में अपने अपने बच्चों को बताया तो एक अहम हमारी जो भूमिका है हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ये साबित होगा। और दोस्तों इस पीरियड में, एक गंभीर पीरियड में पेरेंट्स का रोल और बड़ा है कि और महत्वपूर्ण है। सो पेरेंटिंग बिफोर कोविड एंड पेरेंटिंग आफ्टर कोविड थोड़ा बहुत चेंज डेफिनेटली है, बाकी बेसिक कुछ बातें कॉमन है, लेकिन ये बातें हैं कि हेल्थ फैक्टर पे हमें ख्याल करना है, मेंटल फैक्टर पे ख्याल करना है, ज़्यादातर इंट्रैक्शन करना है, इंट्रैक्शन कम हो गए बाहर से, इसके कारण स्क्रीन टाइम बढ़ गया, लेकिन उसके भी लिए थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना चाहिए। फियर जो है, नॉलेज अगर सही नॉलेज बच्चों को दिया तो जो कोरोना की फियर है वो डेफिनेटली कम होंगी, कि इसका स्प्रेड कैसा होता, एक कम्युनिकेबल डिसीज जो है एक कैसा आगे हर व्यक्ति से, हर इंसान से इंसान को होता, उसके लिए बैरियर्स हम क्या कर सकते, क्या केयर हमारे लिए ले सकते, क्योंकि जान है तो जहाँ हम अगर जगह पे है तो विश्व जगह पे है, हम जगह पे नहीं तो विश्व जगह पे नहीं, इसलिए। और दूसरा ये फायदा होगा इसमें कि फायदा बोले तो आप कुछ बुरी बातें एक लेसन देके जाती तो उसी समय उसी टाइप से कुछ कि फैमिली में जो हर व्यक्ति व्यस्तता, हर व्यक्ति व्यस्तता, मुझे समय नहीं अपना करियर ये, लेकिन सबको ये नेचर की पावर सबको मालूम हो गई कि ये नेचर की पावर क्या होती है, तो सबको एक जगह बिठाया, फैमिली के जो दूर दूर रहते थे वो भी पास में आ गए, उनके कारण जो फैमिली में और स्नेह बढ़ने लगा और इंट्रैक्शन होने लगा और शेयरिंग एंड केयरिंग बढ़ गया, शेयरिंग भाई बहन के रिलेशन, माता और चाइल्ड के रिलेशन और अच्छे होने लगे, और इसके कारण जो कुछ कुछ बातें अच्छी भी हम एक लेसन टाइप में हमें मिली है, जो नेचर की पावर है वो पता हो गई, जो प्रदूषण है वो भी कम हो गया, हमने वो पिछले कुछ दिनों में देखा है। तो ये पेरेंट्स की भूमिका हमारे बच्चों के करियर में बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को तैयार करने में, उनमें एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक, अच्छा प्रशासक, अच्छा व्यवसायिक, अच्छा एक सोशल वर्कर, अच्छा राजकीय लीडर या अन्य
व्यक्तिमत्व का अच्छा दर्शन उनमें कर पाते, तो पेरेंटिंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक मूर्तिकार की तरह पेरेंट को काम करना है, एक माली की तरह पेरेंट को काम करना है। और जब दूसरा और बताऊंगा कि भाई कल बहुत सारे पॉइंट्स हमने बोलते हैं, लेकिन जो स्टडी है, बच्चे छोटे होंगे तो स्टडी जब आता, अभ्यास जब करने आता है, तो अभ्यास हर विद्यार्थी को जान पाता, हर विद्यार्थी को। उसके लिए जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके साथ में आप बैठो थोड़ी देर, मदर जो है, मदर ने समय दिया तो बहुत अच्छा, क्योंकि मदर में पेशेंस ज्यादा होते हैं। हम तो भी अगर बच्चों को अगर कुछ एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे और उसने थर्ड बार गलत आंसर दिया तो हम एकदम मार देंगे, तो हमारे पेशेंस मेल में थोड़े कम रहते, फीमेल में पेशेंस ज्यादा होते हैं। तो माता अगर स्टडी लेती तो वो बहुत सही मायने में अच्छे तरह से लेंगे, और बच्चों के साथ में एक बार उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बहुत अच्छे। एक स्टडी करने के लिए एक वर्ड है, उसका नाम है बहुत मर्डर, इस शब्द का अर्थ मीनिंग अलग है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है। यम मीन्स मूड, स्टडी करने के लिए बच्चों का मूड होना चाहिए, तो मूड यू प्रिपेयर फॉर देम, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर चाइल्ड, उनको तैयार करना है, उनका मूड तैयार करना है कि भाई रिलैक्स करना, उनको बिठाना उसके, क्योंकि एक दो घंटे अगर फिजिकली बैठना है तो उसके लिए स्ट्रेंथ, एक मूड तैयार करना चाहिए। यू मीन्स अंडरस्टैंड, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सोच समझ के, समझदारी से पढ़े, सोच समझ के पढ़े, और जो जो भी हम पढ़ रहे वो समझना चाहिए। यू एम यू आर मर, आर मीन्स रीड विथ केयरफुली, रीड विथ केयरफुली, जो पढ़ रहे हम समझ के पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। एम यू आर डी, डी मीन्स डाइजेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है वो डाइजेस्ट करो, लंबोदर जैसा बोला जाता ना कि उस टाइप से हमें डाइजेस्ट करना है, जो भी हम पढ़ रहे वो पूरा डाइजेस्ट करना है। डी ई आर ई, ई मीन्स विद एग्जाम्पल, हमें वो याद होने के लिए, हमको ख्याल में आने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स उसको कोऑर्डिनेट करो, जो भी आप पढ़ रहे एग्जाम्पल से कोऑर्डिनेट करो। आर मीन्स रिकॉल, जो समराइज करो, जो भी आप पढ़े दो तीन पन्ने पढ़े होंगे तो उसको रिकॉल करो, हाइलाइट्स करो, कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो हाइलाइट करो, वो याद रहेंगे और वो फ्रूटफुल रहेगा, आपका जो स्टडी रहेगा, वो रीडिंग जो रहेगा वो डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा। इसी तरह एक कोड वर्ड मैंने आपको दिया है, बच्चों को दिया है, पेरेंट्स में भी ये ख्याल रखना, मर्ड, एम मीन्स मूड, यू मीन्स अंडरस्टैंड, एम यू आर, आर मीन्स रीड विथ केयरफुली, ई मीन्स विद एग्जाम्पल्स, कुछ बातें ख्याल में रखने के लिए एग्जाम्पल को उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और आर मीन्स रिकॉल, रिकॉल करना, स्मरण करना होगा कुछ जो हाईलाइट पॉइंट्स का। ये अगर करते हैं तो सही मायने में हम बीइंग पेरेंट्स हमारे बच्चों को इस तरह से स्नेह दे के, समय दे के, अच्छा संवाद करके उनसे डेफिनेटली हम एक अच्छे पेरेंट्स की भूमिका निभा सकते हैं।